भगवान, देर हो गई, देर हो गई। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपकी बहनें जाग गई होंगी। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, अभी वक्त है, लेकिन पहले देख लेता हूँ। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तुम यहीं रुको, मैं सबको देख के आता हूँ। सब सो रहे हैं, तुम जा सकती हो। अच्छा, लेकिन फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी, क्या क्या कहूंगी? तुम डबल रोटी लेने गई थी और जल्दी में तुम चाबियां ले जाना भूल गई। इस होली में डबल रोटी लेने गई थी। तुम्हें बहुत सुस्ती हो रही थी और क्या पता एक या दरवाजा खोले। एक कभी इतना जल्दी नहीं उठता, देख लीजिएगा, नाना जाने दरवाजा खोलेंगे। अच्छा, अब इतना परेशान मत हो। और इन कपड़ों में तुम कहाँ जा सकती हो, यहाँ दुकान तक या करीब ही कहीं? सही कह रहे हैं, देख कर आ गए ना, सब सो रहे हैं ना। देख लिया, आ जाओ। ठीक है। ओ, मेरे जूते। ये दूसरी बार है, ये दूसरी रात है जो हमने हंगामा खेज हालात में गुजारी है, उतनी ही खतरनाक जितनी पहली रात थी। सब सुन लेंगे, पागल हो गए। नहीं थी क्या? चले चले। बैटरी खत्म हो गई होगी, आप जानते हैं उन्होंने खुद फोन बंद नहीं किया होगा। रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। कोई उठ जाएगा, हटे। मुझे परवाह नहीं है। या मेरे अल्लाह, काश ये सब देखने से पहले मैं अंधी हो जाती। शर्म आनी चाहिए तुमको, हमारा ना सही, अपने नाना का तो ख्याल करती, इनका चेहरा देखकर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तरस नहीं आ रहा तुम्हें इस आदमी पर? नाना, नाना जान, ऐसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है, मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरे भाई ने तुम्हें जबरदस्ती रोका था क्या? आप दो सेकंड के लिए चुप हो सकती हैं? मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। हाँ, किसी औरत को छुपाकर घर लाना तुम्हें जेब देता है क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर में जवान जहान लड़कियां रहती हैं? हाँ, शर्मानी चाहिए तुम्हें। इतनी गंदी, नंगे पैर है, अब कैसे सामना करोगी उनका? हाँ, नाना की नन्नी परी। बस कीजिए। नाना, नाना जान, मेरी बात तो सुन, मुझे बताने तो दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। नाना, नाना जान रुकिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें ये औरत तकलीफ देगी। मुझे अच्छी तरह पता था ये औरत तुम्हें पूरी तरह बदल देगी, लेकिन इस कदर बदल देगी इसका अंदाजा हरगिज नहीं था मुझे।
सोच समझ के बात करें। हम सब चुप रहे, हमने सोचा तुम घर के सरबरा हो, लेकिन अब मैं और खामोश नहीं रहूंगी। हद हो गई है, वो नागिन रेंगते हुए तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नैनीमान तुम जाओ। नहीं, तुम यही खड़ी रहो और इसके बारे में सुनो। इसको पता होना चाहिए ना, तुम इतनी दूर अमेरिका जाकर नहीं बिगड़े, इस औरत ने तुम्हें दो दिन में बदल दिया, समझ से बाहर है। तुम लोग सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? अपनी हरकत खुद बताओ ना बाबा को, मैं किस मुंह से बताऊं? उफ खुदा, उफ अल्लाह, कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? नाना जान, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये गलत फहमी थी, मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। तो आप समझाइए ना। तुम उस आदमी के घर से निकली हो जिससे दूर रहने का कहा था, वो औरत कैसी हकारत से बात कर रही थी तुमसे, अब और सच्चाई किस तरह साबित करोगी तुम? आप उस औरत को जानते हैं, अपनी तरफ से कहानियां बनाती है वो। मैंने खुद देखा है तुम्हें अपनी आंखों से, आखिर इनकार क्यों कर रही हो? मैंने खुद तुम्हें चोरों की तरह उस घर से निकलते देखा है। मैंने कहा था अगर मुझसे दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हारा कभी यकीन नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दरवाजा बंद हो गया था और मैं आधी रात। दरवाजा बंद हो गया था? तुम आखिर आधी रात को बाहर कर क्या रही थी? बाहर क्यों गई थी? मैं बताता हूं क्यों गई थी, सिर्फ उस आदमी से मिलने के लिए, और वो भी बगैर बताए अपने नाना को सोता छोड़कर चली गई। नाना जान, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। फिर मुझे बताओ ये सब क्या है? मैं इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ अपनी पूरी जिंदगी में। हमारे दरवाजे पर थी उसकी बहन, उसने कहा मेरी नवासी उसके भाई के कमरे में सो रही है, और मैंने क्या किया, बेवकूफों की तरह तुम्हारा दिफा किया और कहा कि तुम अंदर हो, उसे भगा दिया मैंने। लेकिन उसने सही कहा था, बल्कि शुरू से ही सही कह रही थी वो। हरगिज नहीं। दरअसल मैं ही गलत था, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जैसे तुमने पहुंचाई है, शायद परवरिश में ही कमी रह गई थी मेरी।